इंदौर में अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा के बाहर सरकारी योजनाओं के फ्लेक्स होर्डिंग लगाए जाने से सिंधी समाज में भारी रोष है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और इंदौर नगर निगम अपर आयुक्त रजनीश कसेरा को ज्ञापन भेंट कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय सिंधी सभा द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस ज्ञापन में दो मांग की गई है। एक मांग ये कि जो हेमू कालानी की प्रतिमा है, चारों तरफ पोस्टर लगे, ये पोस्टर नहीं लगे किसी भी महापुरुष हेमू कालानी को, किसी भी महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास नहीं, ये उनकी मांग है। और दूसरी मांग है कि हेमू कालानी की आदमकद प्रतिमा वहाँ लगाई जाए। और दूसरी उनकी मांग है कि जो चौथा माणिकपुर रोड पर सेमी नगर इसको हम चुके करते हैं, उसके पास में सम्राट भाईर सिंह जी के नाम से जोड़ा का नाम पूर्व परिषद में किया गया था, जब मैं सभापति था वहाँ से जब महापौर थी उसमें प्रतिमा लगाई जाए और उसके नाम की पट्टिका वहाँ लगाई जाए। ये मांग की संबंधित विभागों से बात करके उसका निराकरण किया गया। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, राम बल्लभ कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास महाराज ने आकर भगवान दुधेश्वर का आज अभिषेक किया। समाधि वाले सिद्ध गुरु मूर्तियों को मत्था टेका गया। मंदिर में स्थापित देव प्रतिमाओं के दर्शन किए गए। दुधेश्वर प्राचीन गौशाला में गौ माताओं का दर्शन भी किया गया। दुधेश्वर वेद विद्यालय में जाकर त्रिसंध्या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का दर्शन पूजन कार्यक्रम भी किए गए। पूज्य गुरुदेव श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिव श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से भेंट भी किया गया। बेटी को 2 लाख पीएम द्वारा दिए जाने की अफवाह के बाद ही डाकघर में रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। मुंगेर के तारापुर से यह खबर सामने आई है। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शांति भवन नई दिल्ली के पते पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक फॉर्म जमा करने को लेकर बुधवार को तारापुर के डाकघर में महिलाओं एवं बच्चियों की भीड़ लग गई। डाकघर से लेकर मुख्य सड़क तक लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तारापुर खड़गपुर मार्ग भी अवरुद्ध होने लगी, जिसके बाद तारापुर के थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल को लगाया और काफी मशक्कत के बाद लोगों को यहां से समझाकर हटाया जा सका। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के माली नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागृति दिवस एवं बाल संगोष्ठी कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला युवा अधिकारी अमित कुमार थे। उन्होंने युवा केंद्र के बारे में चर्चा की, युवाओं को एकजुट होने की अपील की। युवा एवं युवती को कैच द रेन के लिए प्रेरित किया गया, शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम आयोजन एकता युवा मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में किया गया था। इस मौके पर युवाओं की खास मौजूदगी देखी गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में विधायक बोरिया गांव पहुंचे। 2 दिन पहले घटित घटना के पीड़ित परिवार से मिले एवं कार्रवाई की मांग की। और आखिर में वो लड़का जो है उसने उठा करके ले गया और फिर उधर कुल मिला के इस घटना में पुलिस कितनी दोषी है? पुलिस तो सीधा है कि पुलिस के वजह से ही ये घटना घटी। दारू बचवाने का काम पुलिस नहीं करती तो इनको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। दूसरा है कि जब घटना घटी तो लिख करके इन्होंने दिया थाना प्रभारी को और थाना प्रभारी ने कहा जोगेंद्र जो ASI है उसको मिलिए और उसने कहा चौकीदार से मिलिए। तो इतनी विभत्स घटना, इस घटना में थाना प्रभारी का यह बयान ये अपने आप में हास्यास्पद है। और फिर जब घटना घट भी गई, ये 14 को घटना घटी, 15 को ये लोग थाना गए, 16 पूरा बीत गया, 17 बीत गया और यहाँ तक पुलिस आई नहीं। पुलिस अगर पकड़ के जैसे ले गई थी कि बुला करके वहाँ पर पूछताछ किया उस लड़का सोनू को। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा मध्य विद्यालय के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार खुद ठंड से परेशान था जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राजीव अहमद के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह मुजफ्फरपुर जिले के हाथाओपी क्षेत्र के बैंगरी का रहने वाला था।
वहीं जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। जाम कर रहे लोगों को समझाया गया, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया गया। राजधानी पटना में नगर आयुक्त को आवेदन देकर एक पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। देखिए आ गया है खतियान, आ गया है ताक लीजिए, खतियान है, लोटी साल है, बंसावली है, सवाल है, हमको धुक धुक कर रहे हैं। इतना तय नहीं, हम भोजन में गिए, भोजन करता है दुनिया में कोर्ट कचहरी जा रहे हैं तो कहता है कि जब भोजन फैसला करेगा, भोजन फैसला करता, कहाँ भोजन हमको फैसला करे। 45 आदमी हमको से पैसा ले लिया, जब 45 आदमी पैसा उठा लिया तो हम अब क्या करें, अब तो हम भिखमंगी बनल है। उधर कटिहार के मनिहारी में साई पूजा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें साई के भक्तों की भीड़ लगी रही। आयोजन के दौरान लगातार भक्तों की आवक से माहौल भक्तिमय बना हुआ था। साई पूजा समिति टाली पारा मनिहारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साई पूजा एक आस्था का पूजा है, जो हम लोग 2007 से चालू करते हुए आज तक हमारे सब समिति के सदस्य इसको हर सुलह के साथ बनाते हैं। इस साई पूजा समिति के हमारे साई दुर्गा प्रसाद जी संस्थापक हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में शिरडी साई और उनके लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस देश में हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। तो हम लोग मनिहारी के इस टालीपारा में पिछले 15 वर्षों से साई पूजा हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ मनाते आ रहे हैं। और साई पूजा समिति मनिहारी टालीपारा की ओर से राजकुमार पुद्दार जी, जो कि अध्यक्ष हैं, सचिव हैं रमन जी, और तमाम साई दुर्गा प्रसाद जी के द्वारा भी वर्षों से यह पूजा आयोजन किया जा रहा है। और इस दिन हम लोग भंडारे का भी आयोजन करते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और साई का आशीर्वाद लेकर पुण्य के भागी बनते हैं। दिशा की बैठक में पहुंचे सांसद चिराग पासवान, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। दो विधायक एक विधान पार्षद इस बैठक में नहीं पहुंचे। जमुई के सिकंदराबाद विधायक ने कहा कि बैठक की नहीं मिली थी सूचना। जिला विकास समन्वय एवं अनुसर्वन समिति दिशा की बैठक जमुई के समाहरणालय स्थित सभागार में आज आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद चिराग पासवान कर रहे थे। सांसद ने कहा कि अब तक यह सबसे कम अवधि की बैठक हुई है। उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेकर आने की बात कही। देखिए दिशा की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जितने भी विभाग हैं, कोरोना काल चल रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। नए जिला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कई सुझाव रखे। क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस तरीके से जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में एक लंबे समय से बनी हुई है, उसको लेकर क्या स्थायी समाधान यहाँ पर हो सकता है, तमाम उन विषयों पर चर्चा हुई। लक्ष्य यही है कि पिछला साल कोरोना के वजह से जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से महामारी फैली हुई थी, उससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बट बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये साल हम सब के लिए एक बेहतर साल हो। जितने हमारे प्रखंड प्रमुख हैं, जितने हमारे विधायक हैं, हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से रखा। और जैसा मैंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ये साल एक बेहतर साल साबित हो। उधर जमुई के लखीसराय मुख मार्ग में अम्बा के पास एक सड़क हादसा हुआ है। कुत्ता को बचाने के दौरान ऑटो पलट गई। इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि सभी एक ही परिवार के हैं। हाथीदा से गंगा स्नान कर सभी लौट रहे थे, इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार दर्जनों लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें पास के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। एक महिला की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। घायलों में खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। गांग नहाने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? गांग नहाने के लिए उधर से जब गांग नहा करके जब आ रहे थे ना, तो उधर से जब आए तो हम लोग घर आ रहे थे, घर में आ रहे थे, तो उसमें कुत्ता जो था ना, कुत्ता जो टकरा गया था गाड़ी। अच्छा। गड़िया गया, पलटी हो गया। तो कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? इस गाड़ी में करीबन 10-15 तो सभी लोग घायल हो गए। घायल तो ज्यादा 3-4 आदमी हुए, ज्यादा और घायल नहीं हुए। बाकी चोट सबको लगी है? चोट सबको लगी है।
सर में चोट है, हाथ में चोट है। उधर जमुई में दुष्कर्म में असफल होने पर महिला को पीट पीट कर जख्मी कर दिए जाने से संबंधित मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि देर रात की यह घटना है। पिकअप वाहन के चालक ने इस घटना को अंजाम दिया। महिला के शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने चालक को पकड़ कर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के बरबीघा लाने की बात कहकर महिला को जबरन जमुई लेकर आ रहा था चालक। इसी दौरान इस बात को लेकर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दरअसल दुष्कर्म की नियत से इस घटना को अंजाम देने की फिराक में चालक था। तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी और रंगे हाथों उसे पकड़ लिया गया। जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। के पास जो है एक ड्राइवर के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें महिला ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद स्थानीय लोग जुटे, वहां पे उस ड्राइवर को पकड़ा गया है, जो भी न्याय हम लोग के हिरासत में है। महिला के साथ ड्राइवर के द्वारा जो है मारपीट भी किया गया है। बाकी अगले अनुसंधान कर रहे हैं। कहां की महिला है और ये महिला तो बता रही है उधर बरबीघा साइड की है। अभी बाकी उनके परिजनों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। यहाँ कैसे आ रहे हैं? वो सब्जी बेचने का काम करती हैं। वो गाड़ी में लिफ्ट ली थी और गाड़ी वालों ने उसी बहाने उनके साथ जो है लिफ्ट देने के नाम पर उनको मुनिश करना चाह रहे थे, जिसका ये विरोध कर रही थी, इसीलिए उनके साथ वो मारपीट किया गया है। बाद में उनको पकड़ा गया है। एक और बता रही है कि महिला एक और थी उसके साथ। वो दूसरी गाड़ी थी, आगे थी। ये जिस गाड़ी में बैठी थी तो जो ड्राइवर के साथ बदमाशी करने का प्रयास कर रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने बहादुरी से उसको पकड़ा भी है। इसके बाद उसको पकड़ा गया है। अभी वो न्यायिक हिरासत में है।